क्या आपके कॉन्ट्रैक्टर ने बीच में काम, आपके डिस्प्यूट्स हो गए हैं कॉन्ट्रैक्टर साथ जिसने आपने काम छोड़ दिया है, या फिर आपका जो बजट 10 से 15 लाख रुपए का था वो 20 से 25 लाख रुपए काम कंप्लीट होते होते जा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम जभी आती है जब हम सही कॉन्ट्रैक्टर चूज नहीं करते। कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करके आप अपने जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, अपने घर का जिस काम दे रहे हैं इंटीरियर का, उसको आप चूज फाइनलाइज कर सकते हैं। फर्स्टली आप अपने घर की डिजाइनिंग करवाइए इंटीरियर डिजाइनर से। इंटीरियर डिजाइनर डिफरेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टर डिफरेंट होता है। डिजाइनर होता है जो डिजाइन करता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है जो उसको इम्प्लीमेंट करता है काम को। डिजाइनर से डिजाइन करवाइए। यहाँ पे हमारी मतलब है कि हम खुद दोनों काम करते हैं, डिजाइनिंग भी हम खुद करते हैं और कॉन्ट्रैक्टर का हमारा इम्प्लीमेंटेशन भी। तो फर्स्टली आप डिजाइनिंग करवाइए, सेकेंडली डिजाइनिंग करवाइए एज पर योर बजट, आपके बजट के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं उनके डिजाइनिंग करवाइए। उसके बाद वही जो डिज़ाइन आपने फाइनल किया है वो तीन चार कॉन्ट्रैक्टर आप अपने लोकल में, जैसे ऑनलाइन हो गया, जैसे द्वारका एक्सप्रेस वे या गुड़गांव में, आप अपने तीन चार जो रेफरेंसेस हैं उस रेफरेंसेस के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू आप अपने तीन चार कॉन्ट्रैक्टर की लिस्ट बनाइए, डिज़ाइनिंग उनको शेयर करिए, उनको दिखाइए, अपने रिक्वायरमेंट बताइए। उसके बाद उनसे कोटेशन लीजिए, जहाँ से आपको जो बेस्ट कोटेशन दे, या फिर कोटेशन के साथ साथ उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी चेक करिए कि उसने कितने काम, कैसे काम करे हैं, कितने काम करे हैं उसने, उसने कैसी आफ्टर सेल सर्विस दी है। तो वो सब चेक करने के बाद ही अपना काम किसी को अलॉट करिए। तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके आप एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर चूज़ कर सकते हैं।